नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। ओर बैंडिंग एवं ब्लेंडिंग प्लांट के कर्मचारियों के उद्यमशील प्रयासों में आरएसपी के ब्लास्ट फर्नेस की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार। एचआर पहल आरोहण पर कार्यशाला आयोजित। और राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा पार्श्वांचल गांवों में 1,00,000 पौधे का वितरण प्रारंभ। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के ओर बैंडिंग एवं ब्लेंडिंग प्लांट ओबीबीपी ने हॉट मेटल के उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस को आयरन ओर लम की स्क्रीनिंग और प्रेक्षण सुनिश्चित करता है। बरसात के मौसम के दौरान लौह अयस्क गांठ, जिसमें नमी की उच्च मात्रा होती है, स्क्रीनिंग सिस्टम में समस्याएं पैदा करती हैं। अनुपयुक्त आकार की गांठों की आपूर्ति से लटकने से उच्च कोक की दर, खपत और ब्लास्ट फर्नेस की जैमिंग जैसी समस्याएं होती है। सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज विभाग और डिजाइन विभाग के सहयोग से 13 SOST और 1 GOTA के साथ उप प्रबंधकों श्री एस भंजदेव और श्री NC पात्र के साथ इन उद्यमशील कर्मचारियों ये हाथ अपने हाथों से लिया। टीम ने पानी को छिड़ककर लौह अयस्क गांठों को धोने की व्यवस्था लागू की। कंपन स्क्रीन स्तर पर उच्च दबाव के साथ यह प्रणाली आकार के अयस्क के सभी अवांछित सामग्री को हटा देती है और इसके बाद उच्च गुणवत्ता वाले आकार के अयस्क को ब्लास्ट फर्नेस में भेज दिया जाता है। इन संशोधन के साथ स्क्रीनिंग समय और आकार के अयस्क की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। गर्मी की आवश्यकता के अलावा और कोक खपत दर को ब्लास्ट फर्नेस में कम किया गया है। आकार के अयस्क में लौह सामग्री का प्रतिशत बढ़ गया है, जबकि सिलिका और एल्यूमिना धातु के मात्र में कमी हुई है, जिससे फर्नेस में उत्पादित हॉट मेटल की गुणवत्ता में वृद्धि की है। ओबीबीपी विभाग में 27 जुलाई को कार्य में शामिल 19 कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए उत्कर्ष योजना के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। महाप्रबंधक ओबीबीपी श्री ए मिश्र ने प्रत्येक कर्मचारियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक ऑपरेशन श्री NK मंडल, सहायक महाप्रबंधक श्री SC महांती, विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, यूनिट कार्मिक के प्रतिनिधियों एवं विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। श्रम निरीक्षक कार्मिक आधुनिकरण श्री SK मेवा ने कार्यक्रम का संचालन किया। HR पहल आरोहण पर HRDC में 27 एवं 28 जून को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में E3 से E7 स्तर के कुल 24 अधिकारियों ने भाग लिया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान बिजनेस परिदृश्य और इस्पात उद्योग की गतिशीलता और भविष्य की चुनौतियां, स्टैक होल्डर प्रबंधन, विक्रेताओं के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने, भावनात्मक ज्ञान, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मप्रेरणा, गौरव की संस्कृति, जुनून और प्रशंसा, संसाधनों का अधिकतम उपयोग और सामग्री, नवाचार और सृजनशीलता, कार्य पर प्रभावी निर्णय और मानव संसाधन के अधिकतम उपयोग विषय को शामिल किया गया। सत्रों का संचालक महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री MKL चांद, उप महाप्रबंधक RNC लैब श्री S चट्टोपाध्याय, उप महाप्रबंधक कार्मिक डॉक्टर PK साहू, उप महाप्रबंधक CPP1 श्री KS विर्दि, उप महाप्रबंधक ओकोवन श्री K बेहरा, उप महाप्रबंधक MM श्री GK दास, सहायक महाप्रबंधक SMS2 श्री A महांती एवं प्रबंधक MM श्री S जैन द्वारा किया गया। उप महाप्रबंधक CPTI श्री S महांती ने वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर HRD श्री RL आचार्य के सहयोग से कार्यक्रम का संचालन किया।
उल्लेखनीय है कि संभागियों के प्रबंधकीय क्षमता को सुदृढ़ बनाने, संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को सक्रिय रूप से चुनने और बेहतर रणनीति सोच विकसित करने के उद्देश्य से इस पहल को अप्रैल 2018 में प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम महीने में दो बार आयोजित किया जा रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ओडिशा सरकार के वन विभाग की सहायता से अपने पांचांचल गांवों में 1,00,000 पौधे का निशुल्क वितरण करेगा। पौधा वितरण के लिए इस वर्ष इस्पात संयंत्र 20.87 लाख रुपए खर्च कर रहा है। पौधे चिन्हित पहचान किए गए 6 वन रेंज जैसे पानपोस, कुरमुंडा, बीर मित्रापुर, बाकी, बिसरा, राजगांगपुर में वितरित किए जाएंगे। ग्रामीणों के मध्य में वितरित किए जाने वाले 1,00,000 पौधे में से 50,000 पौधे फलदायी, औषधीय और सजावटी प्रजातियों के होंगे। बाकी 50,000 पौधे इमारती लकड़ी, ईंधन और चारा प्रदान करने वाले प्रजातियों के होंगे। इस वर्ष एक अनूठी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें लाभार्थियों को ट्री पास बुक जारी किया जा रहा है, जिसमें पौधे के बारे में सारी जानकारी शामिल होगी। साथ ही पौधे की उत्तरजीविता को देखते हुए उसके आधार पर प्रोत्साहन भी दी जाएगी। 27 जुलाई को लाठीकटा ब्लॉक के एरगंडा गांव में राउरकेला के एक NGO ग्रुप को लेकर वन विभाग द्वारा निःशुल्क पौधे वितरण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राउरकेला DFO श्री SK स्वाइन, IFS RSP के महाप्रबंधक नगर प्रशासन श्री NK सामंतराय, RSP के उद्यान कृषि विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारी एवं प्रभारी ZDP डॉक्टर ए बिश्वाल के साथ राउरकेला स्टील प्लांट और वन विभाग के कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। एरगंडा वन सुरक्षा समिति के सचिव श्री मोहन कुमार सिंह ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया, जबकि ECO ग्रुप के सचिव श्री आदित्य मिश्र ने कार्यक्रम का संचालन किया। 37 प्रजातियों की इमारती लकड़ी, ईंधन, फलदायी और औषधीय एवं सजावटी प्रजाति के कुल 1,655 पौधे एरगंडा गांव के 64 लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया। ग्रामीणों को रोपण और पौधों को पोषित करने के लिए उचित तरकीबों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री SK स्वाइन ने पौधों को निशुल्क करने और लाभार्थियों को प्रोत्साहित देने की पहल के लिए RSP की सराहना की। श्री NK सामंतराय ने प्रकाश डाला कि कैसे वृक्षारोपण गतिविधियां पर्यावरण में सुधार के अलावा लोगों को कमाई बढ़ा सकती है। कार्यक्रम में एरगंडा गांव की वन सुरक्षा समिति की बैठक कक्ष के पास गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विभिन्न पौधे के वृक्षारोपण के साथ संपन्न हुआ। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।